हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, है? आ जाओ संतोष, हम सबका तो रोजा है, आ जाओ। हमारा रोजा है, धर्म दादा का गुरुवार है, दीदी का भी गुरुवार है, तो आपका फास्ट रहता है? नहीं, नॉन वेज नहीं खाते। हाँ, ये भी नॉनवेज नहीं खाते। अच्छा। आप खाते हो? हाँ, ये सब खाते हैं क्या? टेस्ट करो भाई, नमक तो नहीं है। गरम होगा, नमक सही है ना? नमक सही है। कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे नहीं बोलना, संतोष भैया से ट्राई करा है। सही है, थोड़ा डाल दो। क्या और डाल? हाँ, अभी वो एकदम मैं तो एकदम बोलेंगे। गरम होगा, ठीक है ना? हाँ, चलो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तुम चेंज करने वाली हो जाके? जाओ करो करो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है एक नया दिन, आज है अल्हम्दुलिल्लाह 5th रोजा, और बस आज एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हमें अंधेरी निकलना है। तो आज हो सकता है कि हमारा इफ्तार जो है वो शायद उस वक्त बाहर ही हो जाए, और इसीलिए इफ्तार के बाद का जो डिनर है वो दीपिका संतोष भैया से टेस्ट करवा रही थी, क्योंकि हम सब तो रोजे में हैं तो हम नहीं कर सकते। तो बस अभी हो गए हैं रेडी, आज हमने ब्लैक ब्लैक पहना है अपना, ब्लैक कुर्ता हमेशा मेरा फेवरेट तो वो है। तो बस अभी बस निकलते हैं, आ रहा हूँ, ठीक है? मीटिंग है एक काम से। अच्छा, मुश्किल है आज, शायद लेट हो जाएगा, तो हम वहीं इफ्तारी कर लेंगे बाहर ही। विशाल याद से 6:40 तक, 35:40 तक पापा को यहाँ से नीचे ले जाना, ठीक है? पता है ना? बस ठीक है, चलो आदाब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है अब्दुल भाई? रोजे जा रहे हैं? सही है रोजा? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे तरावी सब चल रहे हैं, माशाल्लाह। अभी हो गई है हमारी मीटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी अच्छी मीटिंग रही, क्यों? Yes, काफी अच्छी रही। और अभी हो रहा है इफ्तार का टाइम, तो अभी आज हम गाड़ी में बैठ के ऐसे इफ्तार करते हैं और बस फिर घर चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ करते हैं, क्यों? हाँ। चलो हो रहा है इफ्तार का टाइम, और यहाँ पे चल रही है, रेडी हो रही है, कटिंग कर रही है मैडम, पीछे अब्दुल भाई भी हैं, अभी अब्दुल भाई भी हम सब साथ में मिलकर आज इफ्तारी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, अरे पहले शोज़ के टाइम बहुत याद आया करते थे, जब हम लोग साथ में किया करते थे, साथ में जब अकेले भी किया करते थे, तो ऐसे इफ्तार पूरा यूनिट साथ में बिल्कुल साथ में बैठा करता था, तो आज वही टाइम याद आ गया, घर से बाहर जब इफ्तारी करते हैं तो ऐसा। खाना भी खा लेंगे, क्योंकि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, इसलिए मैडम जो है पूरा घर से बना के लाई थी, तो हम गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। अच्छा, इसमें डाल के ले आया? हाँ। वाह, मैंने तो खड़ी कप मांगा था घर से, ये क्या हो गया? थैंक यू। चाय आज बाहर नागौरी की चाय हम पी रहे हैं, तो आज हम पी रहे हैं बाहर नागौरी की चाय, नागौरी की चाय बहुत पसंद है, जरूर पी रहे हैं, ये पियेंगे घर की चाय, अपनी घर की चाय लेके आई थी। इफ्तार की बात की चाय का फील ही आ गया है ना? ज्यादा कुछ मिला नहीं हमें, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैडम ने अपने लिए कुछ ले लिया, मेरे को टोनर चाहिए था, तो बस मेरा टोनर दिख गया सामने, मैंने ले लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी घर चलते हैं। ये देखो, रस्ते पे खड़े होके कोई परफ्यूम लगा रहा है, ओहो, पहले रोजा था ना, उसको लगा नहीं सकते थे अभी। आज थक गए हैं बहुत, एक्चुअली बहुत वक्त से, जब से रमजान स्टार्ट हुए हैं हम लोग निकले नहीं हैं, और आई थिंक उसके पहले से भी लोनावला गए, लोनावला गए वहां से आए, तो उस साइड निकलना थोड़ा सा कम हो गया, तो बहुत थक गया, थक गया कि ऐसे लेट गए, फिर थोड़ी देर मैंने आप लोगों के साथ आस्क मी किया, फिर अभी सहरी का टाइम हो गया है,
तो अभी सहरी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फिर सो जाएंगे और फिर ये ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू करेंगे। कई लोग बोल रहे हैं प्रैंक वीडियोस बनाइए, प्रैंक वीडियोस में तो रमजान में भी प्रैंक वीडियोस नहीं बनाएंगे, रमजान के बाद इंशाल्लाह अगर लगा मौका तो डेफिनेटली बनाएंगे। क्यों लीजिए, आज मैंने पहन लिया है व्हाइट कुर्ता, शॉर्ट्स आपने देख लिए होंगे और अभी मेरे पास वक्त है कम क्योंकि आज है रमजान का पहला जुमा, मैं निकल रहा हूँ नमाज के लिए और लेट ना हो जाऊँ, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। हे टिप्पी, आज इतनी गर्मी थी ना, मतलब सच में जितना ज्यादा शुक्र करो अल्लाह का उतना कम है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ फिर भी आ गए एसी में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास एसी तो क्या फ़ैन भी नहीं होगा, तो बस अल्लाह ताला सब पर रहम करे, करम करे और सबके लिए रोज़े आसान फरमाए, सबकी रोज़े इबादतें कबूल करे और बस यार जिस हाल में है खुश है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत लाख लाख शुक्र। और आप सबसे भी ये गुजारिश है कि जिसके घर में भी कोई स्टाफ हो, अगर ऐसा हाउस हेल्प हो, स्टाफ हो, या थोड़ा सा उनको ध्यान रखें, मैं नहीं बोल रहा कि काम ना करवाएं, काम डेफिनेटली आप करवाएं क्योंकि आप भी उनको पे करते हो, आपने उनको जॉब पे रख रखा है, लेकिन थोड़ी सी रियायत देखें क्योंकि गर्मी बहुत है, दिन भर भूख समझ में आती है लेकिन प्यास जब होती है तो वो बहुत ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें बस। और अभी बस कुछ नहीं, अभी क्या, सबको जुमा मुबारक। ओहो, आज तुम भी वाइट अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। क्या हुआ, क्या सही हो? बोलो को लेके होगी हमारी लड़ाई, क्यों नहीं पहनी क्रीम कलर की सलवार? कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली मेरे दिमाग में नहीं रहता है और इसके साथ क्रीम सलवार थी क्योंकि ये क्रीम, और मैं ये जो थ्रेड है उस कलर की स्पेशली सलवार बना के लाई थी, क्यों नहीं पहनी? अरे उस टाइम में नहा के निकला, मुझे नहीं दिखा, मुझे ज्यादा था, मैंने पहन लिया, तुम भी थी उस टाइम, तुम भी नहा रही थी, मुझे पता नहीं, ठीक है ना, पर कोई नहीं, नहीं तो भी चेंज कर लूंगा। चलो बोलो, तो मैंने कर ली है चेंज सलवार और पता नहीं क्यों मेरा और सलवार का हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, पंगा रहा है और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है, जेनरली मेरे दिमाग में मेरे ख्याल में भी नहीं रहता वैसा हो जाता है, तो भी कुछ नहीं करता, फाइनली मैंने चेंज कर ली है और ये अच्छी लग रही है, हाँ थोड़ा सेम लग रहा है एटलीस्ट, क्यों? हाँ इतने मेहनत से बनवाओ और उसके बाद ये पहने नहीं, तो अब आप बताइए संगीत की रात में मुझे गुस्सा नहीं आया होगा? सलवार का मसला कभी नहीं खत्म होगा। और बाय द वे मैंने अभी अभी देखा है कि मेरे जो है वो 22 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए, तो थैंक यू दिल से आप सबको। परसों उसने बोला था ना, यस परसों बोला था मैडम ने, राज हो गए, राज हो गए, थैंक यू। कौन सी सफाई, काय की सफाई? भाई मैं अपने किचन की सफाई अपने हाथों से करती हूँ, तो फिलहाल मैं सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी तो मैं अपने हाथों से ये लेके स्प्रे लेके सब साफ करूंगी। ओके शरीर का सामान लाएगा अभी। हाँ। किसने बोला था? क्या दुखता हो वही पैर आज तुम दोनों ग्रे ग्रे पहने हो? पता ही नहीं चला था कब पहना है और इसने शाम के पता ही नहीं चला कब पहन लिया। ये था गाइस, ये भी छोटा सा एक वीडियो था दो दिन का कि 5th रोज़ा एंड 6th रोज़ा कैसे गुजरा, कल तो पूरा दिन बाहर ही थे और आज भी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रमज़ान में नहीं इतना हो पाता है शूट, बट कोई नहीं, जैसे जैसे करके मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सब बोलते हैं कि भले ही चाहे 5 मिनट का वीडियो डालो या
छोटा डालू लेकिन डाल दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निकाल सकूँ, आपको दिखा सकूँ क्या क्या चल रहा है लाइफ में। बस समझ लो अभी लाइफ ऐसी चल रही है फिलहाल, इबादत, रोज़ इफ्तार, सहरी, बस इससे ज़्यादा अभी कुछ ऐसा हैपनिंग कुछ ऐसा है नहीं, बट कोई नहीं। तो ये था वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 22 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो हो गए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और हर वक्त हमारे साथ खड़े रहने के लिए। कनेक्शन है इंशाल्लाह बना रहेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी केयर, उनका वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और सबको, पूरी दुनिया को, सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।